शाहिद कपूर भी अब आमिर खान और अक्षय कुमार के ट्रैक पर आ गए हैं, क्योंकि इस साल बेस्ट एक्टर के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट होने के बावजूद भी उनके साथ धोखा किया गया। दरअसल शाहिद कपूर की इस साल ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह आई थी, जहां उनके काम को जमकर तारीफें मिली और इस साल स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में उन्हें बेस्ट एक्टर पॉपुलर अवार्ड को देने का वादा किया गया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर शो के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ये कहा गया कि ये अवार्ड उन्हें नहीं दिया जा रहा है, बल्कि रणवीर सिंह को दी जाएगी। आपको बता दें, इस अवार्ड नाइट में आखिरी समय में बदलाव करते हुए बेस्ट एक्टर के अवार्ड को रणवीर सिंह को दिया गया, जिसके तुरंत बाद शाहिद इस फंक्शन से बाहर निकल गए और ऑर्गेनाइजर से काफी नाराज हो गए, क्योंकि ये बर्ताव एक अनप्रोफेशनल था और इन सब बातों को शाहिद को गलत तरीके से बताई गई थी। आपको बता दें, इस अवार्ड नाइट के बाद शाहिद कपूर के स्टेज परफॉर्मेंस को भी रिकॉर्ड करना था, लेकिन शाहिद गुस्से में अपना परफॉर्मेंस दिए बिना ही अवार्ड फंक्शन से बाहर निकल गए। वही इस घटना के बाद अब शायद शाहिद कपूर कभी भी किसी अवार्ड समारोह के हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इस वाक्य ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।